आप लोगों को हम लोगों ने कन्वीनियंस के लिए बुकलेट उपलब्ध कराई है, आप लोगों के पास होगी बुकलेट? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्या? ओके, तो बुकलेट आप लोगों के पास होगी, उससे किस पॉइंट पे वार्ता कर रहे हैं वो आसान हो जाता है। तो हम लोगों के द्वारा कुल देखा जाए तो कुल 11 चरण, लेकिन प्रत्येक जिला में अधिकतम 10 चरण में कर रहे हैं चुनाव। एक चरण अतिरिक्त जा रहा है आयोग के लिए, इसलिए कि जो फ्लड अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसका हम लोग एक चरण बाद में चुनाव कर रहे हैं। तो चुनाव का प्रथम चरण 24/9/2021 को मतदान की तिथि होगी। उसके आपके फोल्डर में दिए गए हैं नोटिफिकेशन के कॉपी और डिटेल्स में दिए गए हैं। प्रथम चरण 24/9/2021 की होगी, इसमें 10 जिले इन्वॉल्व होंगे और प्रखंडों की संख्या 12 होगी। मतदान केंद्रों की संख्या 2119 है और 1609 मतदान भवन है। जैसे कि आप सबों को पता है कि हम लोग चुनाव को विभिन्न चरणों में कर रहे हैं, तो हर जिला एक साथ चुनाव में जाएंगे और एक फेज, जैसा मैंने बताया कि जो बाढ़ प्रभावित जिले हैं वो एक फेज बाद से शुरू होंगे और सभी जिलों के कुछ प्रखंड जाएंगे। और उसकी हम लोगों ने डिटेल जैसे बताया कि प्रथम चरण का बताया, द्वितीय चरण फिर चुनाव, उसका मतदान की तिथि 29/9 होगी, जिसमें 34 जिले इन्वॉल्व होंगे और प्रखंडों की संख्या 48 होगी और करीब 9686 केंद्रों की संख्या होगी, मतदान भवन 6543 ये होंगे। उसी तरह से तृतीय चरण 8 अक्टूबर को होगी, जिसमें 35 जिले इन्वॉल्व होंगे और प्रखंडों की संख्या 50 होगी और मतदान केंद्र करीब 10634 और साथ में मतदान भवन होंगे उनके 6942। फिर फोर्थ फेज की जो चुनाव होगी वो 20/10 को होगी और उसमें 36 जिले इन्वॉल्व होंगे, प्रखंडों की संख्या 53 होंगे, 11318 होंगे मतदान केंद्र और मतदान भवनों की संख्या 7729। पंचम चरण के चुनाव 24/10 को होंगे और इसमें जिले 38 डिस्ट्रिक्ट्स इन्वॉल्व होंगे, प्रखंडों की संख्या 58 होगी, मतदान केंद्रों की संख्या 12,056 और भवनों की संख्या 7,810। सिक्स फेज के जो चुनाव होंगे 3 नवंबर को होंगे। इसी तरह से डिटेल हमने दिया हुआ है। तो इसी तरह से एकादश सप्तम चरण 15/11 को है, अष्टम चरण 24/11 को है, नवम चरण 29/11 को है, दसम चरण 8/12 को है और जो 11th जो लास्ट फेज है वो 12 दिसंबर को है। और जैसा मैंने बताया कि जिलों की संख्या, प्रखंडों की संख्या आपको हम लोगों ने डिटेल में दी हुई है,